अस्सलाम वालेकुम, शाहीन टीवी ब्रेकिंग न्यूज़ में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। पाकिस्तान के मशहूर अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ पिछले कई सालों से दिल की तकलीफ में मुबतला हैं। सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है, उन्हें ही एक व्हील चेयर पर देखा गया, जिसके बाद मुदाहों की जानिब से बड़े ही अफसोस का इजहार किया गया था। लोग अपने अपने अंदाजों के मुताबिक दास अड़ाइयां कर रहे थे, आखिरकार उमर शरीफ किस बीमारी में मुब्तला हैं। शरीफ के बेटे ने अब बकायदा तौर पर एक बयान जारी किया है, मेरे वालिद दिल की तकलीफ में मुब्तला है। इसके अलावा वो दीगर तकालीफ का भी सामना कर रहे हैं, जबकि उनकी याददाश्त भी खराब हो गई है। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर ने ये कहा है, हम उनका इलाज करवा रहे हैं, उनका इलाज मुसलसल जारी है। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आप सबकी दुआओं से वालिद साहब जल्द सेहतियाब होंगे और मैं उनके साथ बहुत जल्द अपनी एक वीडियो भी जारी करूंगा। जवाद उमर कहते हैं कि वालिद की सेहत को लेकर लोग सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैला रहे हैं। मेरी सिर्फ तमाम लोगों से इल्तमास है, उनकी सेहत के लिए सिर्फ दुआ करें। शरीफ अपनी जिंदगी में कई तकालीफ देख चुके हैं कि जवा साल बेटी का इंतकाल भी हो गया है। उमर शरीफ ये कह चुके हैं, मेरी बेटी गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थी कि वो मुझे छोड़कर चले गई, लेकिन मुझे कब्र से बड़ा डर लगता है। उमर शरीफ के बारे में अब ये कहा जाता है कि वो बातों ही बातों में कहीं खो जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या बात कर रहा है। लेकिन अब उमर शरीफ दिल की तकलीफ में मुब्तला होने के साथ साथ भूलने की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। ताहम हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला ने जल्द अज जल्द सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। हम नाजरीन मोहतरम, ये सारी तफसीलात थी जो शाहीन टीवी ने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज आपको मिलती रहे। शुक्रिया।